गुड मॉर्निंग, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। और अगर हम जो बड़े इवेंट के इंतज़ार में थे उस इवेंट के आउटकम को देखें तो वो काफ़ी हद तक इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि फाइनली रेट में एक पॉज आया हुआ है। बट साथ ही साथ मिस्टर पोवेल ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ये पॉज अभी किया है लेकिन फ्यूचर में हम दो रेट हाइक कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अभी भी वहाँ पे जो उनके इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं, और इसी वजह से दो रेट हाइक एक्सपेक्टेड है इस ईयर एंड तक। और डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक डेटा कैसे आता है। ऑल्सो रेट कट की गुंजाइश अभी फ़िलहाल में नहीं है, और इसी वजह से मार्केट में एक मिक्स मूड बना। यूएस मार्केट्स के इंडाइसिस में हमने एक वीकनेस देखी, स्पेशली डाउ जोन्स नीचे की तरफ क्लोज हुआ, 200-250 पॉइंट नीचे था। नैसडैक S&P 500 में हल्की सी गिरावट थी या थोड़े से कुछ इनफैक्ट पॉजिटिव फ्लोज थे, बिकॉज वहाँ के जो मेन लाइन स्टॉक्स है जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पर तेज़ी थी। और अगर हम सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो वो मार्जिनली डाउन है, 30-35 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। बट साथ ही साथ अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे एक हमने हल्की सी तेज़ी देखी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो चाइना के जो डेटा आए हैं, इकोनॉमी रिलेटेड डेटा, वहाँ पे हमने कुछ वीकनेस देखा है, और इसी वजह से वहाँ पे स्टिमुलस पैकेजेस की अनाउंसमेंट हो सकती है, और इसी वजह से हमने वहाँ पे कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी देखी है। हमारे मार्केट्स के लिए 18,690 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, उन लेवल्स के नीचे हम वीकनेस देखेंगे। हमने कल के दिन में भी यही कहा था कि 18,670 इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, 690 के करीब मार्केट ने सपोर्ट लिया। 18,690 के नीचे हमें लगता है कि मार्केट में जो वीकनेस आएगी वो 18,600 तक इस बार लेके जा सकती है मार्केट को, और वही लेवल्स पे, उन्हीं लेवल्स पे मार्केट के लिए बढ़िया सपोर्ट है। इनफैक्ट 18,700 से लेकर 18,600 तक मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, और इसी वजह से मार्केट का जो पेस ऑफ फॉल है वो काफ़ी हद तक स्लो है। बट 18,600-630 के करीब आप लॉन्ग के पोजीशंस बनाएं, जो तकरीबन 100 पॉइंट नीचे हैं। 5 डेज 10 डेज के एवरेजेस भी वहाँ पे ही, उन्हीं लेवल्स पे ही प्लॉटेड है, और 18,500 का लेकिन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बिकॉज 18,500 के नीचे फिर मार्केट में आने वाले दिनों में हमें गिरावट देखने मिलेगी। 18,500 इज़ अ क्रूशल लेवल टू वॉच आउट फॉर। ऑल्सो अगर हम हायर लेवल्स की बात करें तो 18,780 के लेवल्स निफ्टी ने अभी तक क्रॉस नहीं किए हैं, उन लेवल्स के ऊपर ही हमें कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। तो 18,800 के लेवल्स पकड़ के चलिए, क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी का दिन है, तो जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो जो बड़ी स्ट्राइक प्राइस होती है वहाँ पे प्लॉटेड रहते हैं, या तो वहाँ पे वो बैठे हुए रहते हैं। तो 18,800 के लेवल्स के ऊपर हम कुछ शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल देखेंगे, और 18,600 के करीब बाइंग है, और इन बिटवीन मार्केट में हम सिलेक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखेंगे। बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे शॉर्ट करें या 43,650 के बीच में लॉन्ग करें। सो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी क्लियर ट्रेंड है, और हायर लेवल्स पे 44,200-250 पे रेजिस्टेंस बना है। बैंक स्टॉक्स में, प्राइवेट बैंक्स में नरमी बनी है, तो मिक्स ट्रेंड है। निफ्टी आईटी में भी अगेन मिक्स ट्रेंड है, 29,000 के ऊपर जाने में डिफ़िकल्टीज है, और 28,300 के नीचे बढ़िया सा सपोर्ट है। सो ब्रॉडली हमें लगता है कि निफ्टी आईटी में भी मिक्स्ड एक्टिविटी है, तो वहाँ पे भी सिलेक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने मिलेगी। निफ्टी मेटल्स में हम कुछ बिल्कुल एक्टिविटी देख सकते हैं, क्योंकि अगर चाइना ने अगर कोई भी पैकेज अगर अनाउंस किया स्पेसिफिकली फॉर द इकोनॉमी, तो फिर हम सबसे पहले वहाँ पे जो तेज़ी देखते हैं वो मेटल्स में ही देखते हैं। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्टॉक्स में वापस एक रिन्यूड इंटरेस्ट बना है, पावर स्टॉक्स में रिन्यूड इंटरेस्ट बना है, तो हम उन स्टॉक्स पर भी आज फोकस करके चलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ, और आपके लिए आज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।